डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे, आज हम लोग 5 क्लास की साइंस को देखते हैं, ठीक है। डे हमारे पास क्या है? एड डेट है 22 जून, और डे है वेडनेसडे, ठीक है बच्चे। तो वेडनेसडे है तो आप लोगों ने क्या करना है? डिफाइन टेम्परेचर। तो बच्चे, टेम्परेचर है, टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखें टेम्परेचर की क्या डेफिनेशन है। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी सेवरल स्केल्स इंक्लूडिंग फॉरनहाइट एंड सेल्सियस। उन्हें क्या टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर में हम लोग हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करते हैं। मतलब किसी बॉडी की हॉटनेस का मतलब कितना गर्म है और कितना ठंडा है, कोई बॉडी कितनी गर्म है और कोई बॉडी कितनी ठंडी है। एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी सेवरल स्केल, हम इसको किसी भी सेवरल स्केल्स में लिखते हैं, ठीक है। जैसे फॉरनहाइट में लिखते हैं, फॉर सेल्सियस स्केल में लिख दिया कि हमारे पास कितना डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, कितना डिग्री फॉरनहाइट टेम्परेचर हो रहा है, कितनी कोल्डनेस है, कितनी हॉटनेस है। जैसे आजकल गर्मियाँ हैं तो हम लोग देखते हैं कि आज का दर्जा हरारत कितना है, 47 डिग्री सेल्सियस होता है। या फॉरनहाइट में अगर आप निकालें तो डिग्री फॉरनहाइट होता है, ठीक है बच्चे। तो ये आपके पास टेम्परेचर की डेफिनेशन है, आपने इसको केयरफुली यहाँ पर आपने इसको लिख लेना है। तो बच्चे, यहाँ पर आपको पीछे उन्होंने टेम्परेचर के बारे में भी बताया हुआ है कि टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड अफेक्ट हाउ फास्ट अ सॉलिड। उनका कि लिक्विड का टेम्परेचर है ना, वो हमें ये बताता है, ये असर करता है कि आपके पास जो सॉलिड है वो कितनी आसानी से मतलब किस तरह हल हो जाता है, ठीक है। मतलब कितनी स्पीड से हल होता है। जनरली अ सॉलिड डिजोल्व फास्ट इन अ वार्मर लिक्विड। गर्म लिक्विड में जो गर्म पानी होता है बच्चे, उसमें सॉलिड जो होता है बहुत जल्दी मतलब डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। देन इट डज इन अ कूलर लिक्विड, मतलब गर्म ठंडे लिक्विड के बजाय गर्म लिक्विड में आपके पास सॉलिड ज़्यादा जल्दी डिजोल्व हो जाता है, ठीक है बच्चे। आप लोगों ने यहाँ पर लिक्विड के बारे में ये बताया हुआ लिक्विड के बारे में, लेकिन ये लिक्विड की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन लिक्विड की ये वाली है, आप लोगों ने केयरफुल लिक्विड की ये डेफिनेशन को यहाँ पर राइट डाउन कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।